नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश कुमार सिंह। दोस्तों आपका फिर से हमारे एक और वीडियो में स्वागत है। खंडेला क्षेत्र के सेवली रोड स्थित चारोड़ा धाम में पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध पक्ष में चौधरी परिवार के चार भाइयों ने ऐसा कार्य किया कि हर तरफ हो रही है उनकी प्रशंसा। तो दोस्तों यहाँ पे जो श्रीमद् भगवत कथा चल रही है, हम यहाँ पे इस पंडाल में जाएंगे। कितने दिन से यह चल रही है और इसका आयोजन किनके द्वारा किया गया है, क्या है यहाँ की पूरी व्यवस्थाएं, तो हम बने रहिए आप इस वीडियो में। आपने सामने जो ये चार भाई खड़े जी, आपकी तरफ से इसको आयोजन क्यों कर रहे हैं, तो आप पूछेंगे कौन कथावाचक है और यह कितने दिन से चल रही है और इसका समापन कब होगा और कौन सा वो कारण है करने का जो इन्होंने ऐसा काम किया। विकेश्वर मंदिर में भागवत कथा का आयोजन 12 सितंबर से चल रहा है, कल 18 सितंबर को समापन होगा। गोपाल नंदन शास्त्री है। कथा दिन तक चली आप? सात दिन तक। समापन कब है इसका? 18 सितंबर कल। परिवार की तरफ से 12 सितंबर से यहाँ पितरेश्वर महाराज का मंदिर है, उनके क्षेत्र में यहाँ आसपास पूरे मंदिर क्षेत्र है। यहाँ पे श्राद्ध पक्ष में 7 दिन की साप्ताहिक भागवत कथा का आयोजन किया है। उसका आज 6वां दिन है। कल 7वें दिन में भागवत जी का समापन है। सुबह हवन पूजा है, उसके बाद कल की कथा 12:30 बजे से है। 4 बजे से महाप्रसाद का आयोजन है, उसमें गांव से सभी माता बहनें भाई सभी लोग बड़ी भारी संख्या में आ रहे हैं। सब कुछ की व्यवस्था है, अनेक दास दासियां हैं, अनेक सेवक सेविकाएं हैं, पर मन अब कृष्ण का नहीं लगता। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, यहां से उद्धव और गोपी की कथा शुभारंभ होती है। कृष्णीनाम प्रवरो मंत्री जिनका नाम उद्धव है, ये परमपिता परमात्मा कृष्ण के बड़े ही प्रेमी हैं और मित्र हैं। गोपियां प्रेम की ध्वजा है, उद्धव ज्ञान की मूर्ति है। परमपिता परमात्मा कृष्ण ने उद्धव को बुलाया और उद्धव का हाथ में अपना हाथ रख करके उद्धव जी से कहा, और चौधरी परिवार ने सभी श्मशान भूमि में पितरों को कृतज्ञ कर दिया है भागवत सुनाकर।